तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल बुली स्कैंडल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। स्कैंडल का नाम है इन्वर्टर हैमर। इस स्कैंडल को कैसे यूज करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, हर वो चीज़ बताऊंगा। तो कैंडल तो हर जगह बनता है, लेकिन इसको सही यूज करना आप सीख लोगे तो हमेशा प्रॉफिट करोगे, आप लॉस में ना कवर आपका लॉस होगा। तो इस कैंडल का नाम है इन्वर्टर हैमर। इन्वर्टर हैमर बहुत ही पावरफुल बुली स्कैंडल है ये, और जब भी सही जगह पर बनता है, जो मैं आपको बताऊंगा कहाँ बनता है, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। अगर वहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं, ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट 1:2, 1:3 रेशियो इजीली दे देता है। तो इस कैंडल बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आज तक मैं जो कैंडल बताऊँ वो आज देखिए कितना ज़बरदस्त, जो प्लेलिस्ट में आप देख लेना कि मैं 8-9 वीडियो कैंडलिस्ट का वीडियो लाया हूँ, जो तो ज़बरदस्त वर्क कर रहा है, हर रोज़ देता है, पैटर्न बनता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है। देखो आज ही जैसे कल फ्राइडे को बना था, 2-3 कैंडल ऐसे ही जो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया होगा आप सभी को। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे हैमर कैंडल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका, कहाँ बना है सपोर्ट, मैं बोला हूँ ना सपोर्ट के पास बनता है। तो जब भी हैमर कैंडल को ब्रेक करता था वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा, अगर आप मेरे कैंडल प्लेलिस्ट वीडियो आप देखे होंगे तब, नहीं तो नहीं देखे होंगे तो तब कोई बात ही नहीं है। फिर अगेन देखिए यहाँ पे भी एक, मैं आपको 2-4 दिन पहले एक कैंडल के बारे में बताया था, इवनिंग स्टार के बारे में। यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार बना है, आप कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है ये कैंडल। कि जब ये मैं बोला था कि जब ये अगर फर्स्ट ये बनना कहाँ चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास बनना चाहिए, और ये जब ये जो ग्रीन कैंडल को ब्रेक करता था, यहाँ पर आपको ट्रेल लेना है और जस्ट इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 रेशियो इजीली आपको मिल जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मिल भी गया, फिर अगेन यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार बना, फिर ट्रेड मिला है, फिर हमारा जो रेजिस्टेंस ये था, ये रेजिस्टेंस तक था टारगेट, वो भी इजीली अचीव करके दिया भी है। तो ज़बरदस्त देता है ये कैंडल। लिस्ट आप सीख लेते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसका यूज करना सीखना है कि कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेन लाइन बनता था, ट्रेन लाइन बन रहा है, ट्रेन लाइन के सब पास ही हैमर कैंडल बन गया। यहाँ पे देखो, ये था ट्रेन लाइन, ये वाला यहीं पर देखिए हैमर कैंडल बन गया है। हैमर कैंडल में ऑलरेडी वीडियो बना के एक बुलिश कैंडल है, जब भी इसको ब्रेक किया वहाँ पर आप ट्रेड लिए होंगे। फिर अगेन देखिए आपको ये टारगेट इजीली अचीव दिया होगा। फिर अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 ट्रेड दिया कैंडलिस्ट के बारे में, अभी आप जान जाते हैं तो ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देखिए कौन सा कैंडल है, इसको बारे में आप मुझे बताना, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, ये कैंडल कौन सा है, 2 कैंडल से बनता है, उसका नाम आप कमेंट करना। और देखिए कैंडल बना है तो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है मेरा भाई, कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया आप देख सकते हो। तो 3-4 में इस जितना मैं इस कैंडल बना है, जो प्रॉफिट दिया है, मैं ऑलरेडी सभी पे वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। तो मैं वही वीडियो लेके आता हूँ जो वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टर हैमर कैसे दिखता है, पहले ये जान लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसको कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना। मैं हमेशा मैं आपको सामने में बना के दिखाता हूँ कि इन्वर्टर हैमर जो भी कैंडल बना आपको सामने में बनाता हूँ, आप बताता हूँ कि कैसे वो दिख सकता है और कहाँ बनना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखो ये इन्वर्टर हैमर सबसे पहले बनता कहाँ है, ये मार्केट डाउन ट्रेड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले देख लो कैसे दिखता है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए और ये सपोर्ट के पास बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट के पास बनना चाहिए, ये हमेशा याद रखना, सपोर्ट के पास बनेगा तभी ये वर्क करेगा। तो ये कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक है कि हैमर है, हैमर को उल्टा होता है तो इसमें वीक मिलेगा आपको, ये वीक इस टाइप का वीक, मैं आपको वीक बना के दिखा देता हूँ सिंपल, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीक बना के दे देता हूँ, यहाँ पे आपको जैसे देखिए इस कैंडल में आपको वीक मिलेगा, वीक बड़ा मिलेगा आपको, इन्वर्टर हैमर में इस टाइप का आपको वीक मिलेगा, और ये वीक है ना थोड़ा बड़ा मिलेगा इस टाइप का, ये उल्टा जस्ट हैमर को उल्टा रहेगा, हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा देखते हो उल्टा, जब हथौड़ा को नीचे आप रखते होंगे तो कैसा बन जाता है, तो ऐसे हथौड़ा उल्टा रहता है, इस टाइप का इन्वर्टर हैमर आपको दिखाई देगा। हाँ हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत वीक भी, वीक है साइडो जिसको बोलते हैं, साइडो भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये ग्रीन भी कैंडल हो सकता है और रेड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, दोनों कैंडल आपको बन सकता है। बनना कहाँ चाहिए, सपोर्ट के पास, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो जितना भी मैं बुलिश कैंडल के बारे में बताऊँ, और जितना भी बुलिश कैंडल है उसको यूज कहाँ करना आपको हमेशा याद रखना, सपोर्ट के पास यूज करना,
ऐसे भी रैंडम कहीं यूज कर लोगे तो फिर आपका लॉस होना तय है। तो इस टाइप का इन्वर्टर हैमर दिखेगा, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो चलिए मैं इसको एक बार रेड करके भी आपको दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा जैसे आपको समझ में आएगा। तो इस टाइप का भी आपको दिख सकता है, लेकिन बनना का वीक भी होगा और नहीं भी हो सकता है, वीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों है। होगा फिर भी उसको इन्वर्टर हैमर बोलेंगे, नहीं होगा तो फिर भी हम उसको इन्वर्टर हैमर बोलेंगे। लेकिन ये बनना का है चीज़ सपोर्ट के पास बनना, जैसे जैसे एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं बताता हूँ, हाँ मैं आपको फिर आगे भी बताऊँगा कैसे आपको देखिएगा कहाँ मिलेगा, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहना। बस एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा यार, थोड़ा अगर नए हो तो जरूर लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, तो आप लोग लाइक कर देना। तो जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरा, तो ये कहाँ कहाँ आया, सपोर्ट के पास ही आया, ये इसका क्या सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर यहाँ पे कैंडल बनता है तो वहाँ पे हमको ट्रेड लेना, हमारा टारगेट नेक्स्ट ये जहाँ से मार्केट गिरा है ये मेरा टारगेट है, ये मेरा रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे हमको टारगेट रखना है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी आना चाहिए मेरे भाई, अगर सपोर्ट ट्रेडर बनना चाहते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप लाइफ में कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, हमेशा आपका लॉस ही लॉस होगा। तब पहले मैं आपको अगेन बता भी ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं हमेशा मैं जितना कोशिश करता हूँ आपको बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में इजली आए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर इंटर ट्रेडिंग करते तो आपको हमेशा 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कल ट्रेड करना है एग्जाम्पल, तो ये मेरा ये हाई है, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा इसको हम करते छोटा, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस, ये मेरा हो गया सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से मार्केट आज जो कल का जो हाई लो होता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, ये हमेशा याद रखना। एग्जांपल के साथ मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ आपको, तो ये मेरा सपोर्ट है फर्स्ट, ये मेरा हो गया दूसरा सपोर्ट, ये मेरा दूसरा सपोर्ट हो गया क्योंकि जोन बना है, तो ये मेरा हो गया दूसरा सपोर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ बनना चाहिए तो हमको ट्रेड लेना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मार्केट एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे यहाँ बीच में ओपन हुआ, अब बीच में ओपन होने के बाद जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ गया, यहाँ से मार्केट फिर अगेन, यहाँ से मार्केट अगेन नीचे, यहाँ पर एक मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर से यहाँ से मार्केट फिर नीचे आता है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आता है, तो हमको यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आता है, ये सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बनता तो वहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, ये सपोर्ट के पास ये बनेगा, ये सपोर्ट बन गया, जैसे अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सपोर्ट के पास आएगा, तो सपोर्ट के पास हमको ट्रेड लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे से यहाँ से आया, फिर अगेन यहाँ इसके पास आता है तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है, और टारगेट हमारा जहाँ से मार्केट गिरा ये हमारा टारगेट रहेगा, ये रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा। तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ भी, जैसे आ जाते हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर मार्केट देख लीजिए, मार्केट क्या है कि मार्केट देखिए पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट कहाँ से है नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर गया, कहाँ आया, बना कहाँ पे, ये बना है कहाँ, ये सपोर्ट के पास बना है, हमेशा याद रखें कहाँ बना है, ये सपोर्ट के पास है। ये इन्वर्टर है हमारे, देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला, ये रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें क्या है कि वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हमको ट्रेड कैसे लेंगे, सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे आना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए इन्वर्टर हैमर, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर है तो इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर फिर ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट जहाँ से मार्केट गिरा तो यही मेरा टारगेट रहेगा। क्या मैं अगेन बता लिया, जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड से ऊपर जाने से फिर अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड आना चाहिए, आना कहाँ चाहिए, सपोर्ट के पास आना चाहिए, वहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। तो ठीक यहीं पे देखिए ये सपोर्ट है, आप देख लेना ये सपोर्ट है, यहाँ पे इन्वर्टर हैमर बना है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो सबसे पहले इसके जस्ट इसके नीचे 5 पॉइंट नीचे इसको सटा के ट्रेड नहीं लेना है, इसके 5 पॉइंट नीचे हमको
यहाँ पे स्टॉपलॉस लगाना है। इसके साइड में जो ग्रीन कैंडल, ग्रीन नहीं होगा, रेड होगा, हमेशा देखना इन्वर्टर हैमर के साइड में जो कैंडल होगा ना रेड होगा, इस रेड कैंडल को ब्रेक कर दे तो यहाँ पर हमको ट्रेड लेना है, यहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। और नियर बाय जो रेजिस्टेंस है उसको आप टारगेट रख सकते थे, आपको फर्स्ट टारगेट 50% के रखना था, फर्स्ट टारगेट आपको ये अचीव हो गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्लोज भी हो गया, अगर नहीं भी एग्जिट होते तो मार्केट देखिए हमारा अप ट्रेंड जाए तो आपका टारगेट, दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं, पहले 50% का टारगेट रखिए, इसके बाद आप जहाँ से मार्केट नीचे गिरा वो आपको टारगेट रख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर गया, तो फिर यहाँ से नीचे ऊपर गया, तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना चाहिए, दूसरा टारगेट आप ये रख सकते हैं, तीसरा टारगेट आप ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप का कैंडल बनेगा इन्वर्ट हैमर, लेकिन बनना कहाँ चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, बनना कहाँ चाहिए सपोर्ट के पास बनना चाहिए, तब आप ट्रेड लेना। और रेंडम ही कहीं बन गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बन गया, यहाँ पर भी देखिए इन्वर्टर हैमर, ये तो इन्वर्टर हैमर है तो कोई काम का नहीं है, कहाँ बनाइए ऊपर में जाके मार्केट बनाती कोई काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टर हैमर बना है तो कोई काम का नहीं है, यहाँ पर देखिए इन्वर्टर हैमर बना है कोई काम का नहीं है, तो ये देखिए कहीं भी बन सकता है, कहीं भी आप ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पर मैं बोला ना देखिए मार्केट एक यहाँ पर भी इन्वर्टर हैमर बना है, ये भी इन्वर्टर हैमर है, ये भी इन्वर्टर हैमर है, और अब क्या और बताऊँ आपको, यहाँ पर इन्वर्टर हैमर, यहाँ पर देखिए ये भी इन्वर्टर हैमर है, और ये भी इन्वर्टर हैमर है, तो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे तो फिर आपका लॉस होना तय है। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ कहाँ लेना आपको, सपोर्ट के पास बनता तभी लो, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के पास आना चाहिए, सपोर्ट के पास आया तब लो, नहीं तो मत लो, छोड़ दो, कहीं भी बनता नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। फिर अगेन हम नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम है, मार्केट क्या है ऊपर से नीचे गया, ऊपर से फिर डाउन ट्रेंड हो गया, मार्केट नीचे गिरा, कहाँ आया ये रेजिस्टेंस है, देखिए ये एक सपोर्ट है, ये एक जोन है, ये जोन बन गया, ये सपोर्ट की तरह हो गया, यहाँ पाया है, यहाँ पर देखिए इन्वर्टर हैमर ये बना है, देखिए कितना ज़बरदस्त इन्वर्टर हैमर देखा है। यहाँ से जब ये मार्केट यहाँ से नीचे गया, पहले नीचे गिरा डाउन ट्रेंड के बाद, जब ये इन्वर्टर हैमर बना यहाँ से फिर अगेन मार्केट देखिए पूरा ऊपर चला गया, इसके नीचे आया नहीं, पूरा ऊपर के ऊपर चला गया मार्केट। तो इसलिए मार्केट उसको सही से यूज करना चाहिए, तो जस्ट इसके नीचे क्या करना है हमको स्टॉप लॉस लगाना है, और जब ये इस रेड कैंडल को ब्रेक करता है, ऐसे नहीं कि इन्वर्टर हैमर बन गया तो तुरंत हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं, जब तक उसको साइड वाला जो कैंडल होता है ना, ये वाला कैंडल रेड ही होना चाहिए, इस रेड कैंडल को ब्रेक करता है तो वहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। हमारा फर्स्ट टारगेट जहाँ से मार्केट गिरा है वो टारगेट रख सकते हैं, आप 1:2 भी रख सकते हैं, अपना अकॉर्डिंग रख सकते हैं रिस्क के अनुसार, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और जो हमारा अचीव भी हो गया। तो ऐसे इन्वर्टर हैमर का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हमेशा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में पहले मास्टर बन जाओ, ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट देख लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मास्टर कोर्स भी है वो देख लेना आप। इसके बाद आप जितना भी बुलिश कैंडल है सब कहाँ बनना चाहिए आप कमेंट करना, मतलब जितना भी बुलिश कैंडल है कहाँ बनना चाहिए आप कमेंट करना, तब मैं मुझे समझ में आएगा कि कितना बंदा सीरियस है ट्रेडिंग के लिए, कमेंट करना कि कितना बुलिश कैंडल जितना भी जैसे इन्वर्टर हैमर है कहाँ बनना चाहिए वो मुझे आप कमेंट करना, करोगे मुझे पता आप लोग जो सीरियस बंदा करोगे ही कि इन्वर्टर हैमर कहाँ बनना चाहिए तब हमको ट्रेड लेना है वो आप कमेंट करना। तो ऐसे आप यूज करोगे तो दोस्तों हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, अगेन मैं बोल दिया, और जो मैं बोला कमेंट करना आप। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करिए, जरूर लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, सपोर्ट किया कर लो यार, मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है यार, आप लोग लाइक करते हो कमेंट करते हो अच्छा लगता है, नहीं करते हो तो फिर थोड़ा मेहनत करके कोई फल नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर, वीडियो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो।